इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता संजय निरुपम मौजूद हैं। सर, आज महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से मैं भी गांधी नाम से मार्च निकाल रहे थे, पुलिस मना कर रही है, क्या कहेंगे? ये जो पुलिस की मनाही है ये सर्वथा गलत है, निषेधार्य है, क्योंकि आज गांधी जयंती और इंडिया गठबंधन की तरफ से हम आज गांधी जी के पुतले पे जाकर के शांतिपूर्वक जाके रामधुन गाते हुए एक शांति और सद्भावना की स्थापना हो देश में, इसकी कामना करने वाले थे। क्या इस कामना के खिलाफ है सरकार? क्या मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में मुंबई में शांति स्थापित हो, सद्भावना स्थापित हो? क्या मुंबई पुलिस ऐसे तमाम शांति के प्रचारकों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है? पुलिस का काम गुंडे बदमाशों को पकड़ना है कि शांति का प्रचार करने वालों को? और आज गांधी जी की जयंती है तो गांधी जी की जयंती के ऊपर गांधी जी के पुतले पर जाने के लिए कौन जाएगा, कहां से जाएगा, कितने बजे जाएगा, इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत है क्या? कम से कम आज तो परमिशन की जरूरत नहीं होती है। क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप लोग इस रैली के जरिए? हम तो शांति का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग अशांति का संदेश दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, हमारे पूरे मार्च को डिस्टर्ब किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे जो ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसके माध्यम से सरकार एक अशांतपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न कर रही है, जो कि गलत है। हम चाहते हैं महाराष्ट्र में मुंबई में शांति हो, सद्भावना हो, लेकिन सरकार को शायद शांति और सद्भावना नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं डरी हुई है, साफ दिख रहा है। वरना इस मार्च को गांधी पुतले तक जाने देने में क्या दिक्कत थी? मतलब आप इंडिया गठबंधन का जो रचनात्मक कार्यक्रम है, सकारात्मक कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों से घबराए हुए हैं आप, ऐसा लग रहा है। एक अंतिम सवाल, हेमंता विश्व शर्मा ने यह कहा है आज के दिन कि हमें अगले 10 सालों तक मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके इस प्रकार से सांप्रदायिक बातें करना, मुझे लगता है उस पद का अपमान है, और जिस संविधान की शपथ ली थी उसका अपमान है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि यह देश सबका है, किसको किसकी जरूरत नहीं है, मायने नहीं रखता। इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हर वर्ग के लोग एक भारतीय नागरिक होने के नाते वोट डालते हैं। किसी के कहने से कि हमको इसका वोट नहीं चाहिए, उसका वोट नहीं चाहिए, ये सब बकवास है, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान हेमंता विश्वा शर्मा को सुबुद्धि दें। कांग्रेस नेता संजय निरुपम थे, इन्हें आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आज मार्च निकाल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार के दबाव में पुलिस हमें मना कर रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार इंडिया नाम के गठबंधन से डरी हुई है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।